से रेस्टोरेंट में लंच या डिनर करना या फिर ऑनलाइन खाना मंगाना महंगा हो सकता है। जी हाँ, रूस यूक्रेन की जंग के बीच 1 मार्च को एलपीजी सिलेंडर के नए रेट जारी हो गए। सिलेंडर के रेट में 105 रुपए का इजाफा हुआ है। ये इजाफा कमर्शियल सिलेंडर में किया गया है और बहुत हद तक संभव है कि 7 मार्च के बाद घरेलू एलपीजी सिलेंडर भी महंगा हो जाए। इससे ठीक एक दिन पहले सोमवार को अमूल ने दूध के रेट में 2 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ा दिए थे। इस तरह मार्च की शुरुआत महंगाई से जुड़ी 2 खबरों के साथ हुई। अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की 6ठे चरण की वोटिंग 3 मार्च और 7वें चरण का मतदान 7 मार्च को है। ऐसे में 7 मार्च के बाद आफत आ सकती है। राष्ट्रीय राजधानी में अब कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत बढ़कर 2012 रुपए पर पहुंच गई है। इससे पहले दिल्ली में 19 किलोग्राम के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1907 रुपए पर थी। ऑल मार्केटिंग कंपनियों ने इसके साथ ही 5 किलो के छोटे सिलेंडर की कीमत भी 27 रुपए तक बढ़ा दी है। इससे दिल्ली में इस सिलेंडर की कीमत बढ़कर 559 रुपए हो गई है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2095 रुपए हो गई है। पिछले महीने शहर में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1987 रुपए पर थी। माया नगरी मुंबई में 19 किलो के सिलेंडर का दाम अब 1963 रुपए होगा। हर महीने की शुरुआत में ऑयल मार्केटिंग कंपनी एलपीजी सिलेंडर की कीमतों का रिव्यू करती है। कंपनियों ने 1 फरवरी को कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 91.50 रुपए की कमी कर दी थी। हालांकि हाल ही में कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त उबाल की वजह से कंपनियों के पास दाम बढ़ाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। देश भर में अमूल दूध के पैकेट 2 रुपए प्रति लीटर तक महंगे हो गए हैं। कंपनी ने सोमवार को ऐलान किया था कि 1 मार्च से अहमदाबाद और गुजरात के बाजारों में अमूल गोल्ड दूध की कीमत 30 रुपए प्रति 500 मिलीलीटर हो जाएगी। अमूल ताज़ा के 500 मिलीलीटर के पैकेट के लिए आपको अब 24 रुपए चुकाने होंगे। दोस्तों, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर नॉन सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की कीमतों में कई महीने से राहत है। कच्चे तेल के दाम $102 प्रति बैरल पार होने के बावजूद 6 अक्टूबर 2021 से घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि चुनाव बाद यानी 7 मार्च के बाद कभी भी गैस के दाम 100 से 200 रुपए प्रति सिलेंडर से अधिक बढ़ सकते हैं। इसलिए जरा संभल कर खर्च कीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी महंगाई का बोझ आप पर पड़ने वाला है। इस खबर को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़। जनता की आवाज़ YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।